जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। अच्छा वैसे वो बीच पे एंजॉय करते हुए टिपिकल टूरिस्ट जैसा नारियल पानी पीते हुए रेत में पांव बनाते हुए और वो पानी में जाके ऐसे छपाके मारते ना एक दूसरे को, वैसे फोटो जरूर खींचना, बहुत अच्छी आई। थैंक यू। चलिए अनु। क्या था ये सब भी? तुम्हें पता चल गया था कि अनुपमा यहाँ आई है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तुम्हारे इस तरह से बिहेव करने से अनुपमा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इनफैक्ट हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वो अनुज का पाड़िया, वो ना ही हमें जॉब देगा, उल्टा हमें मार्केट से भी आउट करवा देगा। अभी करवा दे तो करवा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काव्य मुझे प्लीज बात नहीं करनी इसमें, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। तुम गुस्से में कब नहीं होते हो भी बता? पहले तुम अनुपमा पर गुस्सा होते थे, अब उसकी वजह से गुस्सा होते हो। पहले तुम मेरे लिए अनुपमा को इग्नोर करते थे और अब उसके लिए मुझे इग्नोर कर रहे हो भी। खुद भी सारा टाइम जेलस रहते हो और मेरा भी दिल जलाते रहते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अब तुम्हें अगर यहीं खड़े रहना है ना तो यहीं खड़े रहो। आई एम गोइंग। तुम ठीक तो हो ना अनुपमा? सॉरी, मेरी वजह से वो तमाशा। तुम ठीक तो हो ना? उन्हें जो कुछ भी कहना था मुझसे कहते, आपको बीच में लाने की जरूरत क्या थी? ऐसे घर के बाहर, शहर से बाहर सबके सामने तमाशा, बस तमाशे करते रहते। अनुपमा, तुम ठीक हो कि नहीं? समझ ही नहीं आता कि उनकी प्रॉब्लम है क्या? क्यों मुझे चैन से नहीं जीने देते? क्यों मुझे खुश देख ही नहीं सकते? अपने काम से काम रखे ने मुझसे सवाल जवाब करने का मतलब क्या है? अनुपमा, मैं पूछ रहा हूँ, Are you all right? नहीं। भूख लगी। चलो कुछ खा लेते हैं। जी बापूजी, पता चल गया कि काव्या मिश्र शाह भी मुंबई आए हुए हैं। आप लोगों ने खाना खा लिया? हम लोग बस खाने आई हैं। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। जय श्री कृष्ण। यहाँ क्या करने आए हम लोग? डिस्को करने आए हैं। अरे खाना खाने आए हैं और क्या। तुम फटाफट कुछ ऑर्डर करो, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। मैं आराम से। हाय अनुज। ए हाय राकेश, व्हाट्स अप मैन, लॉन्ग टाइम। या प्लीज आइए ना, आपको मिस्टर मेहरा से मिलवाता हूँ। अरे वो एक्चुअली मैं किसी के साथ था। आप जाइए, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? हाँ हाँ एकदम।
बिजनेस क्लास फ्लाइंग, बीच पे घूमना और अब ये कैंडल लाइट डिनर, तुम्हारी तो सच में लॉटरी लग गई अनुपमा। अहमदाबाद में थी तो कुछ तो डर था, थोड़ा लिहाज था, शर्म थी, लेकिन यहां तो कोई देखने वाला है नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए ना तो दिल में डर और ना ही आंखों में कोई शर्म। जो मन में आए करो, मुंबई जाना है, काम करना है, आगे बढ़ना है। तुम तो सच में बहुत आगे बढ़ गए अनुपमा। कॉलेज की चिंगारी अब फुल फ्लेज्ड आग बन चुकी है और उस आग में मेरे परिवार की इज्जत, रेपुटेशन, मेरे बापूजी का नाम, रुक क्यों गए? बोलिए ना, आप रुकिए मत, बोलते रहिए। आप मन कड़वा कीजिए, मैं मुंह मीठा कर रही। बोलिए, बोलिए ना। मेरी क्या, अब तो तुम पे अनुज कपाड़िया के अलावा किसी की भी बात का कोई असर नहीं होगा। मेरे और काव्या के बारे में जब घर में पता चला था तो तुमने सबके सामने खुद को एकदम महान बना दिया था और मुझे विलेन। और अब तुम क्या कर रही हो? काम के बहाने किसी गैर मर्द के साथ यहां गुलछर्रे उड़ा रही हो। आपको क्या, क्या आपको क्या? मैं घूमू फिरू, नाचू गाऊ, हंसू खेलू, बाहर जाऊं, अकेली जाऊं, किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या? आफ क्यों रही है? अरे बता ना क्या हुआ? वो बाबू, फोन, वो किसी ने मेरा बाहर फोन छीनने की कोशिश की। हे भगवान, सत्यानाश हो ऐसे लोगों का। इसीलिए मना करती हूँ कि रात को अकेली मत घुमा कर, पर तूने भी ना सुनने की डिग्री ले रखी। अरे अकेली लड़की है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो जमाना कितना खराब हो गया। हा? बताइए ना, आपको क्या है? कौन आप? मेरी जिंदगी में आपकी क्या जगह है? बताइए। नहीं बता सकते? चलिए मैं बता देती हूं, आप मेरे कोई नहीं है, आपकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, आपका मुझ पे कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपना हक छोड़ दिया तो तुमने अपनी शराफत भी छोड़ दी। शराफत का अगर इतना ही ख्याल है तो एक पराई औरत की जिंदगी में दखल क्यों दे रहे हैं? मैंने आपकी पत्नी तक को स्वीकार कर लिया और आप मेरा एक दोस्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? आपको पहले भी समझा चुकी हूं, एक बार फिर से समझा देती हूं।
अनुज के मन में मेरे लिए क्या था मुझे नहीं पता, अब उनके मन में मेरे लिए क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो बस अपने आप से। और वैसे भी इस वक्त फिलहाल अभी मेरे मन में उनके लिए कुछ नहीं है, पर अगर होता भी तो आपको क्या? बोलिए ना, जो आप सोच रहे हैं अगर वो सच होता तो भी आपको क्या? तलाक के बाद हम भी तो दोस्त बने थे ना, तो क्या हमारी दोस्ती भी गलत थी? अगर मैं आपकी दोस्त हो सकती हूं तो किसी और की दोस्त क्यों नहीं हो सकती? और अगर अनुज का और मेरा रिश्ता दोस्ती से भी ज्यादा होता तो भी आपको क्या? जलन होती है मुझे, जलन होती है मुझे, नहीं होनी चाहिए जलन, लेकिन होती है। क्या करूं मैं, मुझे गुस्सा आता है अपने ऊपर भी और तुम्हारे ऊपर भी। मुझे जैसी चाहिए थी वैसी तुम नहीं थी अनुपमा, पर फिर भी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी तुम। हम दोनों एक जैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ फिट होते थे, जेल होते थे। मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 25 साल की शादी का रिश्ता हमने बिना लड़े बिना झगड़े निभा लिया। काव्या और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते, लेकिन हमारा रोज रोज झगड़ा होता है। मेरा जो कनेक्ट तुम्हारे साथ था वो कनेक्ट मेरा काव्या से नहीं बन पाया। तुम्हारे साथ रिश्ता टूटने के बाद भी ना तो मैं तुमसे टूट पाया हूं और ना ही पूरी तरह से काव्या से जुड़ पाया। और तुम कहती हो कि मैंने मूव ऑन कर लिया। नहीं अनुपमा, मूव ऑन तो तुमने किया है, तभी तो तुम्हें काव्या और मुझे देख के जरा सी भी परेशानी नहीं होती, जरा सी भी। जितनी आसानी से तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दिया, उतनी आसानी से अनुज कपाड़िया तुम्हारी जिंदगी में भी आ गया। 9 साल के अफेयर के बाद भी काव्या और मेरी बॉन्डिंग वैसी नहीं हो पाई जैसे 4 दिनों में तुम्हारी अनुज कपाड़िया के साथ हो गई। आप ही कहते थे ना कि आप और काव्या करीब आए मेरी वजह से। अब आप कह रहे हैं कि आप और काव्या जुड़ नहीं पा रहे हैं मेरी वजह से। अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दो, हाँ हमारे झगड़े नहीं हुए, पर इसीलिए नहीं कि हमारे बीच कमाल का तालमेल था। हमारे झगड़े नहीं हुए क्योंकि मैं हमेशा चुप रहती थी। रिश्ते की डोर दोनों तरफ से बंधी होती है, दो जन बांध के रखते हैं उसे, लेकिन हमारे रिश्ते में दोनों तरफ की डोर मैंने ही बांधी हुई थी। हम जेल करते थे क्योंकि मैंने आपसे कोई उम्मीद ही नहीं रखी थी। आप हमारे रिश्ते में खुश थे क्योंकि हमारे रिश्ते में बस आप ही आप थे, आपके लिए मैं तो थी ही नहीं। पर अब आपके रिश्ते में काव्या है, वो पुरानी अनुपमा की तरह पायदान नहीं है। अगर आप काव्या से नहीं जुड़ पा रहे हैं मिस्टर वनराक्षा, तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, मैं या काव्या नहीं। आपके और काव्या के रिश्ते में सिर्फ आपके और काव्या के लिए ही जगह है।
आपके ईगो, आपके अहंकार के लिए नहीं। और इतना बड़ा ईगो लेकर चलेंगे ना तो आप किसी भी रिश्ते में कभी भी फिट हो ही नहीं पाएंगे। अगर गुस्सा करना है ना मिस्टर वंडरचा, तो अपने आप पे कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। और एक बात याद रखिएगा, जब मैं आपकी थी तो सिर्फ आपकी थी, अब मैं अपनी हूं तो सिर्फ अपनी ही हूं। सॉरी अनुपमा, वो छोड़ ही नहीं रहते वो। इस जूस का फ्लेवर ऐसा है ना कि पीने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि वो जूस के साथ वोडका भी पी रहा है। कहाँ है वो? राहुल, सुमित, आ जाओ, तुम्हारे लिए जूस बनाया। अरे ये जूस कहाँ गायब हो गए? गॉड नोज, धनी कौन ले गया? जिसके पास भी गए होंगे उसकी तो पार्टी हो जाएगी। कुछ और लोगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, फिर मैं बिल मंगा लेता हूँ और उसके बाद अपने अपने कमरों में जाके तुम भी आराम कर लो, थक गई होगी। इससे पहले कि तुम एक और तमाशा क्रिएट करो, लेट्स लीव। हाँ हाँ, चल रहे हैं। क्या हुआ? पता नहीं, ये ऑरेंज जूस का टेस्ट कुछ अलग सा लगा, कुछ कड़वा सा था। कौन? इस वक्त तुम्हें शहद भी कड़वा ही लगेगा। वो बीज भी पिस गए होंगे साथ में। Maybe. मैं वॉशरूम होके आता हूँ। कहाँ है जी? कहीं उनके और अनुज के बीच में कुछ। कोई नया तमाशा ना क्रिएट कर ले जी। आज नहीं यहाँ, और नहीं, आज वैसे भी इतनी गड़बड़ हो चुकी है, बस और नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं तुझे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।